दोस्तों सिर्फ 5 रुपए में पाएं लाखों की खूबसूरती, 2000 के फेशियल से भी ज्यादा ग्लो आएगा आपके फेस पर। दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है और ऐसी भयंकर गर्मी में हमारी स्किन तो धूप से काली होती ही होती है और साथ में पिंपल एक्नी फ्री में मिल जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो फ्री में मिल रही हैं, ऊपर से स्किन भी डैमेज हो रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो इस वीडियो में आज आपको मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो एक्चुअल में सिर्फ 5 रुपए में आपकी स्किन पर बेहतरीन निखार लेकर आएगा और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो भी लाएगा, पिंपल एक्नी को भी दूर भगाएगा। मतलब एक छोटा सा वीडियो आपके चेहरे की सारी समस्याओं को दूर कर देगा, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो वीडियो देखें और इतना ही पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कटोरी, उसमें डालना है 5 चम्मच मसूर दाल। यहाँ पे अगर आप बड़ी चम्मच ले रहे हैं तो 2 चम्मच इनफ है। चम्मच मेरी यहाँ पे छोटी है इसलिए मैं 5 चम्मच ले रही हूँ। मसूर दाल क्या करती है, आपकी स्किन वाइटनिंग का काम करती है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, आपके ब्लैक हेड्स की समस्या है वो दूर करती है। आपकी स्किन कहीं से काली कहीं से गोरी, मतलब बहुत स्किन पे आपके अजीब से पैच बने हुए हैं, अनइवन स्किन है, उसको बहुत अच्छे से इवन करने का काम करती है। आपकी कितनी भी चेहरे पर काली परत पड़ी हो उसको भी जड़ से खत्म कर देगी, बहुत अच्छे से काम करती है। तो चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे रोज वाटर। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज वाटर, इतना ऐड करिए कि इसके अच्छे से ये डिप हो जाए। इस क्रीम को आप कम से कम 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको हम पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो ये दाल फूल जाएगी और फूलने के बाद सुबह हम इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसके 3 स्पून्स। अब अपनी स्किन वाइटनिंग क्रीम में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 स्पून ग्लिसरीन। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 स्पून विटामिन ई का ऑयल। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो आप इसमें कैप्सूल्स वाला जो आते हैं विटामिन के वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो आपकी एंटी एजिंग का बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन में से पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, वाइटनिंग प्लस एंटी एजिंग। और यहाँ पर हमारी वाइटनिंग और एंटी एजिंग क्रीम बनकर तैयार है। अब इसको हम एक डब्बी में स्टोर कर लेंगे, इस तरह की आप एक प्लास्टिक डब्बी ले लीजिए और उसमें सारी क्रीम ऐड कर दीजिए। अब आपको रात को अपने पहले फेस को अच्छे से क्लिंस करना है किसी भी फेस वॉश से, या आप किसी भी क्लिंजर से अपने फेस को क्लिंस करिए, मेकअप रिमूव करिए, डस्ट रिमूव करिए। उसके बाद आपको इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप जेंटली मसाज करें 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप 5 मिनट बाद अपने क्रीम को अपने स्किन के अंदर जाने दें और उसके बाद आप सो जाएं। ऐसा आप रोजाना फॉलो करें, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन का कलर, आपकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल फेयर हो गया है, आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम ब्राइट निकल कर आएगा, बहुत लवली सा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा आपका, आपकी एंटी एजिंग इतनी स्लो डाउन हो जाएगी, आपके स्किन से सारे फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स सब बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगे।